आज है अपनी 8 तारीख और अभी 3:30 हो रहे हैं। मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे 10-12 दिन हो गए कि मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ। बट अब जो बना रहा हूँ तुमने थंबनेल और टाइटल से समझ गए कि आज की वीडियो किस चीज के ऊपर रहने वाली है। मेरी बियर्ड और हेयर थोड़े बढ़ रहे हैं क्योंकि बकराईद आने वाली है और उस वजह से हम हेयर कटिंग एंड ऑल नहीं करा सकते, तो बकराईद के बाद ही करेंगे। तो ठीक है, वैसे मैं लाइट रख रहा हूँ थोड़ी। बाइक के लिए जो चीज मंगानी थी वो बस आने वाली है थोड़ी देर में, बस मतलब आउट ऑफ डिलीवरी है, कभी भी आ सकती है, इसलिए मैं ऊपर आ गया था। ऑर्डर तो मैंने कई दिनों से कर रखा है, बस एक बार उनकी जल्दी से कॉल आए। और ये किसकी कॉल आ रही है? उन्हीं की कॉल आ रही है भाई, कहते कॉल आ गई। अब देखता हूँ, नीचे जा रहा हूँ, सबसे पहले उनको मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, अपना पैडॉक आ गया भाई। इसको अनबॉक्स करते हैं, अनबॉक्स तो हुआ भाई, ये वैल्यू भी बॉक्स में नहीं है, इसको अनरैप करना है। तो फाइनली अपना पैडॉक आ गया भाई, वर्जन 3 का। ठीक है, होता क्या था, जब भी मैं R15 को अपनी बाहर निकालता था वो पूरी गंदी रहती थी उसके पीछे की, और उसको साफ करना सही में बहुत मुश्किल रहता था क्योंकि R15 में डबल स्टैंड नहीं आता, सिर्फ साइड स्टैंड आता, तो उसे लगाना थोड़ा मुश्किल रहता था। इसलिए मैंने मंगाया है अपने R15 वर्जन 3 के लिए पैडॉक स्टैंड, और कुछ इस तरीके से पूरा रैप होके आएगा। वेल, अभी हम इसको अनरैप करेंगे और फेस की जितनी भी फिटिंग्स एंड ऑल है इंस्टॉल करेंगे, और उसको इंस्टॉल करेंगे या बाइक को निकालेंगे, बाइक पे लगा के दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चाकू ले और इसको पूरा अनरैप करता हूँ। और भाई अनरैप करने के बाद कुछ ऐसा निकला ये पैडॉक। अभी मैंने यहाँ की मैं हटा लिया भाई, नया नया थोड़ा लगना चाहिए, तो इतना भी निकल गया। अब यहाँ पे इसकी फिटिंग्स जो है ये इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ये इसकी मैनुअल हो गई और ये इसके दो ऊपर के रबर्स हो गई, ये वाली। तो गाइस अब मैं समझा देता हूँ क्या क्या निकला और किस किस तरीके से लगने वाला, पहले मैं ऐसे ही बता रहा हूँ फिर लगा के भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो गाइस ये रहा अपना पैडॉक और ये रहे इसके फ्रेम्स, तुम कुछ भी कह लो इसको, बट ये यहाँ पे ऐसे लग जाएंगे। और ये है इसकी दो रबर्स, एक रबड़ यहाँ लगेगी नीचे और एक लगेगी यहाँ पे, और ये दोनों है ऊपर केस के ये। ठीक है, ताकि अंदर पानी ना जाए, तो इसको मैं पहले लगाता हूँ। एंड गाइस फाइनली अपना पैडॉक पूरा रेडी होने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है। ये मैंने फ्रेम्स यहाँ लगा दिए हैं, ये बहुत इजी थे लगाने। ये वाला एक नट खुला और ये इस होल में से पास हुआ और फिर यहाँ से इसको हमने बंद कर दिया, ऐसे ही उधर वाला हुआ है। वैली ऊपर की इसकी वाटर प्रूफ वाली है, वाटर वाली कैप्स लग गई है। दो रबर जो मैं कह रहा था यहाँ लगनी है, बट वो यहाँ नहीं, यहाँ लगनी है, एक यहाँ लग गई और एक यहाँ लग गई, तुम जैसे देख सकते हो मैनुअल में। ठीक है, तो अब भाई ये पूरा परफेक्ट रेडी है, इसके थोड़े से सिनेमेटिक्स तो बनते हैं, लेट्स गो। वेल, थोड़ी सी काम की बात कर लें तो ये है एक्सप्लोर का पैडॉक स्टैंड, यूनिवर्सल बाइक्स के लिए है, अप टू 200 kg भाई ये वेट कैरी कर लेता है। तो अब इसको चल रहे हैं नीचे लेके, अपनी बाइक को निकालते हैं और फिर इसको लगा के देखते हैं उस पर, ठीक है, किस तरीके से ये वर्क करता है। तो गाइस अब मैं मटकता हुआ जा रहा हूँ सिर्फ ये दिखाने के लिए कि बाइक को किस तरीके से खड़ी करनी है, और भाई मेरे से अकेले से नहीं होता, तो इसलिए मैंने डैडी को बुला लिया। डैडी आए, डैडी ने बाइक को पकड़ा और भाई मैंने भी पीछे से पकड़ा, मैंने उसको पहले सीधी खड़ी करी और ये अम्मी निकली सामने से। तो भाई मैं उसको एडजस्ट कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कहाँ लगना है, बट फिर मैं समझ गया कहाँ लगना है। और भाई मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी कहाँ लगना है, और कुछ इस तरीके से थोड़ा सा इस पर पुश देना पड़ेगा, बट पहले चेक कर लो कि वो सही से लगे हैं या नहीं। ठीक है, तो अब मैंने ये देख लो बहुत इजीली लिफ्ट हो गई अपनी बाइक, और भाई अब तुम भी देख लो जैसे डैडी देख रहे हैं बाइक को, बिल्कुल घूर रहे हैं और अभी मैं भी घूर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैं देख रहा हूँ बाइक को, तो भाई मैं उतार रहा था बाइक को, मैं सोचा एक उतारने का भी शॉट ले लेता, लेकिन बच्चों ने ही शॉट बिगाड़ दिया, तो इसलिए मैंने दोबारा से लिया शॉट। और भाई मैंने ये देख के कि भाई किस तरीके से उतार रहा बाइक, अम्मी आ गई भाई, अम्मी ने संभाल लिया, वरना बाइक गिर सकती थी। ठीक है, तो मैंने सोचा दोबारा एक बार उठ लगा के देखते हैं इसको, और भाई अब मैं लगा रहा हूँ, इस बार सेकंड टाइम है ये, और बहुत ज़्यादा इजीली तरीके से लग गई जैसे तुम देख रहे हो। ठीक है, तो अब देख लो भाई दोनों कैसे देख रहे हैं, डैडी भी आ गए देखने, अब देख रहे हो भाई तुम भी ऐसे देख लो, कुछ इस तरीके से बाइक लगनी है। तो चेक कर लो पैडॉक स्टैंड के फ्रेम्स कहाँ पे लगेंगे, ये राइट स्विंग आर्म देख लो यहाँ पे लगेगा, और भाई लेफ्ट का कुछ इस तरीके से लगेगा। ठीक है,
सो गाइस अभी रात के 12:58 हो रहे हैं, कैसे टाइमिंग बता रहा हूँ मैं। और भाई मैं इसी वीडियो की एडिटिंग कर रहा था, वेल मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पॉप कर रहा हूँ मैं साइड में कितने का मुझको पड़ा और मैंने कहाँ से लिया। वेल मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे दूंगा और कुछ इस तरीके से लगा तुमने देख लिया। वेल इस वीडियो को यही करते हैं क्लोज, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर कर देना और जो नए हो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।